आप देख रहे हैं YMS News 24। आइए देखते हैं आज की खबर मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से प्रद्युमन शुक्ला संवाददाता के साथ। आज मिर्जापुर जिले के अंतर्गत आने वाले गांव बिगोली में स्थानीय निवासियों को पंडित देव प्रकाश जी के द्वारा जगत चन्नी माँ गंगा के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जिला संयोजक नमामि गंगे मिर्जापुर द्वारा किया गया है। कार्यक्रम में विस्वक्ति पांडे, रमेश तिवारी, मोनू पांडे, नीरज शुक्ला, अनिरुद्ध झा, आकाश, शिवम, अमित सहित ग्रामीण शामिल हुए। इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें। स्वर्ग से धरती लोक पर लोगों का कल्याण करने के लिए अवतरित हुई है। जब हम माँ गंगा के प्रति आदर भाव रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, समझ लीजिए कि हम स्वर्ग से उतरी हुई माँ गंगा को स्वर्ग की अनुभूति का लाभ लेते हैं। ये कहा गया है कि माँ गंगा जिस गांव से गुजरती हैं, जिस तट पर बसे गांव हैं, वो पवित्र गांव कहे जाते हैं। उन गांव में बसने वाले नागरिक, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, सभी एक विशिष्ट पुरुष होते हैं। उनके अंदर धार्मिक भाव रहता है, लेकिन इधर कुछ वर्षों में माँ गंगा के अंदर प्रदूषण फैलाने का काम जो हमारी फैक्ट्रियां हैं वो कर रही हैं, और कुछ चाहे अनचाहे हमारे लोगों के द्वारा भी माँ गंगा में प्रदूषण हो रहा है। आज हम सब भारी संख्या में इकट्ठा होकर के माँ गंगा के पावन तट पर संकल्प लिए हैं कि हमारे हाथों से कोई भी अपशिष्ट पदार्थ माँ गंगा में नहीं फेंका जाएगा। माँ गंगा को हम सब अभी जल माथे पर चढ़ा करके उनका आशीर्वाद लेंगे, और संकल्प पहले ही ले चुके हैं कि हमारे हाथों से या हमारे जान पहचान के लोगों के हाथों से कभी भी माँ गंगा में प्रदूषण नहीं फैलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस समय ग्राम सभा दुगौली में मौजूद हूँ, जो कि मिर्जापुर जिले में स्थित है। ये ग्राम सभा दुगौली की गंगा जी हैं, जो कि यहाँ से गुजरते हुए विंध्याचल की ओर गई हैं। यहाँ पर एक पंडित जी आए हैं, जो जिन यहाँ पर काफ़ी भीड़ भी लगी हुई है, जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हमें गंगा जी को स्वच्छ रखना है। जैसे वो स्वर्ग से आई हैं, ठीक हमें उनको वैसा ही रखना है, क्योंकि यह जीवनदायिनी भी हैं। तो आइए हम लोगों से इस बारे में विचार जानते हैं, लोगों के क्या विचार हैं। जयकारा लगवा दें कि बस गंगा माँ में स्वच्छता बनी रहे। लोग काफी जागरूक भी हो रहे हैं, तो हम भी यही चाहेंगे कि हमारी गंगा माता स्वच्छ रहे। कैमरामैन यश के साथ प्रद्युमन शुक्ला, YMS News 24।